We are going to start exercise 9.4 and question number 3. क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, देखिए हमें सिंपलीफाई करना है ये जो एक्सप्रेशंस गिवन है. तो हमने सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लिया है. फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इस ब्रैकेट में है और एक्स प्लस फाइव इस ब्रैकेट में है, प्लस का क्या है ये 25. तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है. तो सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को हम सोल्व करते हैं. जब एक्स स्क्वायर को हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू पावर इसकी वन इसकी, तो कितनी होगी टोटल, थ्री होगी, हो जाएगी एक्स रेस टू पावर थ्री. जब एक्स स्क्वायर को हम फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, फाइव एक्स स्क्वायर, ये फाइव एक्स स्क्वायर आ गया. फिर माइनस फाइव को हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के फाइव एक्स. और माइनस फाइव को जब हम प्लस फाइव से करेंगे तो माइनस फाइव फाइव जो कितना 25, और ये एज इट इज लिख दिया हमने प्लस के 25. तो देखो माइनस के 25 प्लस के 25 क्या हो गए, कैंसिल हो गए. तो क्या बच गया हमारे पास, एक्स क्यू प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस के फाइव एक्स. ये इस फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाता है. इसको हमने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया. सेकेंड पार्ट, अब देखिए सेकेंड पार्ट में क्या है, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. ए स्क्वायर प्लस फाइव और बी क्यू प्लस थ्री और प्लस में क्या दे रखा है, फाइव. तो ब्रेकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई. तो हम इनको पहले सोल्व करते हैं. ए स्क्वेयर से बी क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वेयर बी क्यूब आ जाएगा. फिर ए स्क्वेयर को हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, थ्री ए स्क्वेयर आ जाएगा. फिर फाइव को हम बी क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, फाइव बी क्यूब आ जाएगा. फिर फाइव को हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव थ्री जा कितना आ जाएगा, फिफ्टी. और प्लस में क्या थे, फाइव हमने टाइप कर दिए. अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे. ए स्क्वेयर बी क्यूब कहीं है, नहीं है, तो इसको एज इट इज लिख दिया ए स्क्वेयर बी क्यूब. ए स्क्वेयर और कहीं है, नहीं है, तो इसको भी एज इट इज लिख दिया थ्री ए स्क्वेयर. प्लस बी क्यूब और कहीं नहीं है तो फाइव बी क्यूब. और फिफ्टीन और फाइव कितने हो गए, ट्वेंटी. फिफ्टीन और फाइव क्या हो गए, ट्वेंटी हो गए. तो इसके साथ अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड का सेकेंड पार्ट कंप्लीट होते हैं. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थ्री एंड पार्ट थर्ड. देखिए पार्ट थर्ड में क्या है, टी प्लस एस स्क्वेयर की मल्टीप्लाई करनी हमने टी स्क्वेयर माइनस एस से. तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है. जब हम टी को टी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, टी क्यूब आ जाएगा. फिर टी को माइनस एस से करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में टी एस आ जाएगा. फिर एस स्क्वेयर को टी स्क्वेयर से करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, टी स्क्वेयर एस स्क्वेयर आ जाएगा. फिर एस स्क्वेयर को माइनस एस से करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के एस क्यूब आ जाएगा. तो देखो सेम टर्म तो है नहीं, तो यही इसको सिंप्लीफाई आ गया इसका, और यही क्या लिख देंगे हम, इसका आंसर हो गया. अब फोर्थ पार्ट में देखिए क्या है, फोर्थ पार्ट में ये दोनों ब्रैकेट दे रखी है फिर प्लस का साइन, ये दो ब्रैकेट है फिर प्लस का साइन, और इस तरह से टू इंटू ये ब्रैकेट दे रखी है एसी प्लस बीडी. अब पहले हम देखो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं. जब एक को सिस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एसी आ जाएगा. फिर एक को माइनस डी से करेंगे तो माइनस के एट डी आ जाएगा. फिर बी को सिस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का बी सी आ जाएगा. फिर बी को माइनस डी से करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के बी डी आ जाएगा. अब देखो इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक को सिस से मल्टीप्लाई किया हमने, एक को सिस से करेंगे तो एसी आ जाएगा. फिर एक को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एट डी आ जाएगा. फिर बी को माइनस बी को सी से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस बी सी आ जाएगा. और माइनस बी को डी से करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के बी डी. अब टू से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा टू ए सी प्लस टू बी डी. ये आ जाएगा टू ए सी और प्लस में टू बी डी. अब देखो इसमें कितना होगा, ए सी ए रहा और ए सी ए रहा, तो ए सी और ए सी कितने हो गए, टू ए सी हो गए. तो कितना लिख दिया हमने, टू ए सी. और इसके साथ ये भी लिख देते हैं सेम टर्म में, सेम टर्म ऐड हो जाएगी टू ए सी. अब देखो माइनस के ए डी और प्लस का ए डी क्या हो गया, कट हो गया. प्लस का बी सी और बी सी देखो कहाँ है, ये रहा माइनस के बी सी, उतने प्लस के उतने माइनस के क्या हो गए, कट हो गए. अब देखो माइनस का बी डी और माइनस का बी डी, तो माइनस के कितने हो गए, टू बी डी हो गए. और ये क्या है, प्लस के टू बी डी, तो उतने ही माइनस के उतने ही प्लस के क्या हो गए, कैंसिल हो गए. टू ए सी में जब टू ए सी एड करेंगे तो कितना आ जाएगा, फोर ए सी. तो इस तरह से इन ब्रैकेट को हमने सोल्व कर दिया है, और इसके साथ अपना जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो कंप्लीट होता है. लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट फिफ्थ. देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या है,
x प्लस वाई सेकेंड ब्रैकेट में है 2x प्लस वाई, फिर प्लस आया x प्लस 2y और सेकेंड ब्रैकेट में आ गया x माइनस वाई। तो देखो सबसे पहले हम इन दोनों ब्रैकेट को सोल्व कर रहे हैं, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, x को जब 2x से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा xy हो जाएगा, फिर y को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2xy हो जाएगा, और y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर। अब प्लस आया, क्या लगा दिया हमने, प्लस लगा दिया। अब देखिए इन दोनों ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, पहले x से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, जब x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर, फिर x को माइनस वाई से करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के एक्स वाई, फिर 2y को x से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2xy या yx लिख दो एक ही बात है, फिर 2y को माइनस वाई से करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 2y स्क्वायर। अब देखिए सोल्व करते हैं इसको, 2x स्क्वायर ये रहा और 1x स्क्वायर ये रहा, तो x स्क्वायर का मतलब है 1x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगी। देखो अब देखिए xy और 2xy और देखो xy कहां है, ये एक्स वाई, तो प्लस के एक्स वाई और माइनस के एक्स वाई, ये तो क्या हो गए कट हो गए, अब प्लस के टू एक्स वाई और प्लस के टू एक्स वाई तो कितने हो जाएंगे फोर एक्स वाई हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा फोर एक्स वाई, ये आ गया अपने पास। अच्छा जी अब वाई स्क्वेयर और माइनस टू वाई स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर का मतलब कितने वाई स्क्वेयर वन वाई स्क्वेयर, और ये माइनस के टू वाई स्क्वेयर, तो माइनस वन ज्यादा हुआ तो कितना लिख देंगे माइनस में वाई स्क्वेयर। तो इस तरह से इन दोनों ब्रैकेट को सोल्व करके ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो इसके साथ अपना पार्ट फिफ्थ कंप्लीट होता है, लेट अस स्टार्ट पार्ट सिक्स। देखिए सिक्स पार्ट में क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट में तो x प्लस वाई है और सेकंड में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, ब्रैकेट का मतलब क्या बता रखा है मल्टीप्लाई, x को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा वन पावर इसकी टू इसकी, x को माइनस एक्स वाई से करेंगे तो वन पावर इसकी कितनी होगी टू, और ये कितना आ जाएगा वाई। अब एक्स को वाई स्क्वेयर से करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स वाई स्क्वेयर। सबसे पहले हमने क्या किया, इस एक्स से इस पूरी ब्रैकेट को क्या कर दिया है मल्टीप्लाई कर दिया, अब वाई से करेंगे, जब वाई को हम एक्स स्क्वेयर से करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वेयर वाई हो जाएगा, जब वाई को माइनस एक्स वाई से करेंगे कितना होगा माइनस एक्स वाई स्क्वेयर, और वाई को वाई स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा वाई क्यूब हो जाएगा, ये हो गया। अच्छा जी अब देखो एक्स क्यूब और कहीं नहीं है तो हमने एज इट इज लिख लिया, माइनस के एक्स स्क्वायर वाई और प्लस के एक्स स्क्वायर वाई, ये माइनस का और ये क्या है प्लस का, तो क्या हो गया कैंसिल हो गए। अब एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है माइनस के एक्स वाई स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये टर्म कैंसिल होगी तो कितना बच गया वाई क्यूब। तो इन ब्रैकेट को सोल्व किया तो ये क्या आ गया सोल्व होके हमारे पास एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब, ये इसका क्या आ गया आंसर। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट सेवंथ। देखिए सेवंथ पार्ट में क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट में है 1.5x माइनस 4y, सेकंड में है 1.5x प्लस 4y प्लस में 3, और ये दे रखा है बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस 4.5x प्लस में 12y। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। देखो सबसे पहले हम इस 1.5x से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखो 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 15 को 15 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 225 हो जाएगा, और पॉइंट के बाद वन डिजिट इसमें वन इसमें, तो टू के बाद क्या लगा देंगे हम पॉइंट लगा देंगे, और ये एक्स और ये भी एक्स, एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी एक्स स्क्वायर। अब देखो 1.45 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 15 फोर दस 60 होता है, और एक के बाद लगा दिया हमने पॉइंट तो ये हो जाएगा, और एक्स की वाई से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी एक्स वाई। अब देखो 1.5x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.5, और ये x और इसके साथ कुछ भी नहीं है तो क्या लग गया इसके साथ x, मीन 1.5 से हमने इस पूरी ब्रैकेट को क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो माइनस 4y से इसको सबको करेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का नंबर है तो साइन तो आएगा माइनस का। अब 15 फोर जा कितना होगा 60, तो कितना होगा 6.0 लिख देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद वन डिजिट है, इसमें लिख दिया हमने, और एक्स वाई एक्स को वाई से करेंगे तो कितना जाएगा एक्स वाई हो गया।
तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दी, फिर माइनस फोर वाई को प्लस फोर वाई से करेंगे तो फोर फोर जा सिक्सटीन, ये माइनस का ही प्लस का साइन आएगा माइनस का, ये कितना हो जाएगा सिक्सटीन वाई स्क्वेयर, ये सिक्सटीन वाई स्क्वेयर हो गया। फिर माइनस फोर वाई को हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर थ्री जा कितना होता है ट्वेल्व, ये कितना हो गया माइनस के ट्वेल्व वाई, और माइनस के फोर पॉइंट फाइव एक्स और प्लस के ट्वेल्व वाई, ये हो गया। अब देखो सोल्व करते हैं इसको, अब एक्स स्क्वेयर वाली टर्म और कहीं नहीं है तो इसको एज इट इज लिख दो टू पॉइंट टू फाइव एक्स के। अब देखो सिक्स पॉइंट जीरो का मतलब क्या है, ओनली सिक्स है, ये प्लस के सिक्स एक्स वाई है और ये माइनस के सिक्स एक्स वाई है, तो इससे तो ये क्या हो गया कट हो गया। प्लस के फोर पॉइंट फाइव एक्स है और माइनस के फोर पॉइंट फाइव एक्स है, तो इससे भी क्या हो गया ये कट हो गया। अब देखिए इसमें कितना है माइनस के ट्वेल्व वाई और प्लस के ट्वेल्व वाई, ये माइनस का ही प्लस का, ये भी क्या हो गया कट हो गया, तो कितना बच गया माइनस के सिक्सटीन वाई स्क्वेयर। तो इस तरह से इनको सबको सोल्व करके ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थ्री एंड पार्ट एट विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए क्या है, अपने पास ये ब्रेकिट है और ये ब्रेकिट है, इन दोनों की क्या करनी है, हमने मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहले एक को इस पूरी ब्रेकिट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो जब एक को एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ए स्क्वेयर आ जाएगा, फिर एक को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस के बी आ गया, जब एक को माइनस सी से करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के ए सी। अब देखो बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए लिख दो ए बी लिख दो, तो हम क्या लिख रहे हैं ए बी लिख दिया हमने, जब बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बी स्क्वेयर आ जाएगा, फिर बी को माइनस सी से करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के बी सी आ जाएगा। अब देखो सी से करो, सी को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो सी ए लिख दो ए सी लिख दो, हम ए सी लिख रहे हैं, प्लस में क्या आ जाएगा ए सी आ जाएगा। फिर क्या करेंगे सी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी बी लिख दो या बी सी लिख दो, हम बी सी लिख रहे हैं तो ये लिख दिया हमने बी सी। अब सी को माइनस सी से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा माइनस के सी स्क्वेयर। तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, पहले तो ए से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर बी से पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर किससे सी से मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो सोल्व करते ए स्क्वेयर और कहीं है इसमें नहीं है, तो इसको क्या लिख दिया हमने एज इट इज लिख दिया ए स्क्वेयर। अब ए बी देखो, एक तो ए बी ये है और एक ए बी ये है, और कहीं ए बी है नहीं है, तो ए बी और ए बी मतलब वन ए बी वन ए बी, तो कितना होगा प्लस के टू ए बी हो गए प्लस के टू ए बी। अब ए सी वाली टर्म देखो, माइनस का ए सी है प्लस का ए सी है, ये तो क्या हो गए कट हो गए। अब ए बी आ चुका है, बी स्क्वेयर देखो बी स्क्वेयर और कहीं है नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया बी स्क्वेयर को एस सी लिख दिया, माइनस के बी सी और प्लस के बी सी ये भी क्या हो गए कैंसिल हो गए, और ये क्या बच गया हमारे पास सी स्क्वेयर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करके हमारा आंसर आ गया है ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। तो इसी क्वेश्चन के साथ अपनी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है।